नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे पटना की, बिहार की राजधानी पटना की। और जब आप कभी अपराध को रोकने की कोशिश करते हैं या अपराधियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपराध को रोकने की कोशिश में अपराधियों को पढ़ना, क्रिमिनोलॉजी को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो 1990 से 2000 के बीच में पटना में जिन बड़े अपराधियों का आतंक रहा, उनमें कई नाम आपको मिलेंगे। नुन्नू सिंह, बबलू सिंह, अब बबलू सिंह मुंबई में, अमरेश सिंह मार दिया गया, छोटू सिंह मारा गया, मुकेश सिंह, विकास सिंह की रो, मुकेश सिंह भी मारा गया, विकास जिंदा है, सुल्तान मियां मारा गया, दुर्गेश शर्मा अभी है, रामबाबू गोफ, रमेश शर्मा, ऐसे कई नाम आपको मिलेंगे। और इनके अपराध के तौर तरीके को हर पुलिस वाले जो पटना आते हैं वह जानना चाहते हैं। तो आज इन्हीं में से एक आपको हम छोटू सिंह की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वह छोटू सिंह जिसने पटना शहर में 50 से अधिक हत्याएं की, बात बात में हत्या कर देता था। विश्वास न हो, कभी एग्जीबिशन रोड के पेट्रोल पंप पर चले जाइए, चौराहे पर एक पेट्रोल पंप है, पूछिए कि रात में किस बात पर उसने हत्या कर दी थी, बस फ्री में पेट्रोल नहीं देने को लेकर। नशे में होने के बाद तो वह और भी चूर हो जाता था, किस बात पर कहां गोली चला देगा कोई नहीं जानता था। जबकि था बहुत ही अच्छे घर का, उसके पिता फ्रीडम फाइटर थे, रिटायर्ड एडीएम थे, कंकरवा का रहने वाला। और ये जो छोटू सिंह था, इसका असली नाम था विजय प्रकाश, इनके पिता रामनिवास सिंह, उनका ये बेटा था। तो देखिए, छोटू सिंह का जो आतंक रहा, जीते जी अंतहीन रहा। इस गिरोह ने, या यूं कहें कि उस जमाने में जब हम 2002 की बात कर रहे हैं, 3 जुलाई 2002 को जब इसका खात्मा हुआ, लाश भी नहीं मिली थी। और छोटू सिंह की ही नहीं, छोटू सिंह के दो और साथियों की लाश, कहा यह जाता है कि पहले हत्या की गई, फिर लाश के टुकड़े किए गए और उसके बाद उसे किऊल नदी में बहा दिया गया था। तो उस जमाने में पटना शहर का हाल ये था कि हर बड़े बाजार पर एक अपराधी गिरोह का कब्जा था, वहां उसकी तूती बोलती थी। और उस दौर में किस दुकान पर कब बमबाजी हो जाएगी कोई नहीं जानता था। मुकेश विकास गिरोह ने कितनी दुकानों पर बमबाजी की, कितनी हत्याएं की, आज भी रंगोली वालों को याद होगा, बोरिंग कैनाल रोड में पंचमंदिर के पास कपड़े की दुकान, आज भी सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को याद होगा, कार्लो ऑटोमोबाइल्स वालों को याद होगा। तो देखिए, छोटू सिंह का अंत, जो यह बात बात में हत्या करता था, इसका अंत भी बहुत बुरा हुआ। और साथ में इसके दो सहयोगी भी, जो इसके सबसे खास थे, वह भी मारे गए थे। तो ये जो छोटू सिंह था, जिसका असली नाम विजय प्रकाश, इसकी संगत या मेलजोल जो मुकेश विकास गिरोह था, उसके साथ तब बैठा हुआ था और दोनों में अच्छा तालमेल था। मन के भीतर क्या चल रहा था यह किसी को पता नहीं था, लेकिन शहर जानता था कि ये छोटू सिंह और मुकेश विकास गिरोह सब एक ही हैं। तो ये जो मुकेश सिंह था, वो लखीसराय के बरहिया के जैतपुर गांव का रहने वाला था। जैतपुर गांव बहुत ही मजबूत गांव माना जाता है, कई बड़े नाम इस गांव से हुए हैं, आज भी इस गांव की चर्चा बहुत होती है। तो विकास और मुकेश की दोस्ती पढ़ाई लिखाई के दौरान ही हुई थी। विकास भी अच्छे घर से, विकास के पिता बैंक में मैनेजर हुआ करते थे और बुद्धा कॉलोनी में इसका आलिशान घर था, आज भी विकास सिंह है, अनंत सिंह के साथ विकास सिंह का नाम आज भी जोड़ा जाता है। तो ये विकास मुकेश गिरोह, या यूं कहे कि मुकेश विकास गिरोह, कौन सीनियर कौन जूनियर, कभी नाम आगे कभी नाम पीछे। तो मुकेश सिंह को बेटी हुई थी शादी के बाद,
तो सतैसा था। सतैसा का मतलब ऐसे समझिए कि बिहार में जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो 6 दिनों के बाद, मतलब 6 डेज के बाद जो पूजा होती है उसे छठी कहते हैं। और कुछ बच्चों के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म जिस ग्रह काल में हुआ है वो 27 में पड़ा है, तो 27 दिनों के बाद पूजा होती है। तो मुकेश सिंह की बेटी का 27 था 3 जुलाई 2002 को, और लखीसराय के जैतपुर गांव में। तब पुलिस की हनक कह लें या जैतपुर गांव की दबंगई कह लें, जैतपुर गांव में पुलिस वाले भी ऐसे नहीं घुस पाते थे। और इसका दबदबा तो इतना हो ही गया था, मुकेश विकास गिरोह के पास 47 और 56 भी आ गए थे, पटना में इसकी गर्जना भी देखी गई थी। तो मुकेश सिंह ने अपनी बेटी के 27 के मौके पर अपने तमाम साथियों को बड़ी संख्या में बुलाया था, भोज भात का आयोजन था। तो कहा यह जाता है कि ये जो विजय प्रकाश उर्फ छोटू सिंह पटना का आतंक, यह भी अपने 15 साथियों के साथ 3 गाड़ियों से गया था और हरबे हथियार के साथ गया था। तब इसकी सरपरस्ती राजद के एक मजबूत नेता के साथ, जो सीधे बड़े हाउस से जुड़ा हुआ था, बड़े पावर हाउस से। लेकिन संकट यह था कि पावर हाउस में भी कई अलग अलग ट्रांसफार्मर थे और इन ट्रांसफार्मर्स में से आपस में मारकाट मची हुई होती थी। तो पावर स्टेशन का जो सब स्टेशन था एक दूसरे से लड़ रहा था। तो एक सब स्टेशन में छोटू सिंह की जान पहचान ठीक थी। खैर, तो ये छोटू सिंह अपने साथियों के साथ वहां जैतपुर पहुंचा। शाम को पार्टी शुरू हुई और जो चर्चाएं आई, या यूं कहें कि छोटू सिंह के जो साथी जिंदा बचकर भाग निकले, उनका यह कहना था कि भोज भात के बाद शराब की पार्टी शुरू हुई। और शराब की पार्टी जैसे ही शुरू हुई, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, क्योंकि पुलिस के सामने आकर किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन चर्चाओं के मुताबिक मुकेश सिंह और विकास सिंह से छोटू सिंह का झगड़ा हो गया। इसके बाद मुकेश सिंह ने, विकास सिंह ने शायद समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मुकेश सिंह समझने को तैयार नहीं हुआ। मुकेश सिंह ने AK-47 से छोटू सिंह को और छोटू सिंह के साथ रहने वाले नबीन सिंह को, जो पटना के पुनाईचक का आतंक था, सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स पर इसने दीन दहाड़े गोलियां बरसाई थी, तो नबीन सिंह को भी और एक रिजवान उर्फ रज्जू, तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी। AK-47 से भून दिया गया। AK-47 से भून दिए जाने के बाद कहा यह जाता है कि इनकी लाशों को अलग अलग भागों में काटा गया और फिर उसे किउल नदी में ले जाकर प्रवाहित कर दिया गया। किउल नदी में भी लाश खोजने की कोशिश हुई थी, लेकिन लाश कभी मिली नहीं। और मुकेश सिंह तब पकड़ा भी नहीं गया, बहुत साल बाद वह भी मुठभेड़ में मारा गया था। तो ये जो छोटू सिंह के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि ये एक फ्रीडम फाइटर का बेटा था। नवीन सिंह के भाई भी ठेकेदारी करते थे पटना में PRDA में, और जो FIR हुई इस सिलसिले में, वह नवीन सिंह के पिता ने ही बरहिया थाने में, मतलब लखीसराय जिले में दर्ज कराई थी। और कहा यह था उस प्राथमिकी में कि 3 जुलाई 2002 की रात 11 बजे ये तीनों गायब हो गए, और इस बात की आशंका है कि तीनों को मारकर फेंक दिया गया है। FIR में बाजाब्ता मुकेश विकास गिरोह पर शक जाहिर किया गया था। तब लखीसराय के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस KK वर्मा हुआ करते थे, और इस केस के अनुसंधान की जिम्मेवारी दरोगा सत्येंद्र कुमार को दी गई थी, लेकिन लाश आखिर तक नहीं मिली थी। तो नवीन सिंह पुनाईचक का आतंक, मतलब पटना शहर का आतंक। तो ये जो तीसरा रिजवान उर्फ रज्जू था, इसे मूल रूप से रांची के बड़े गैंगस्टर अनिल शर्मा का विरोधी सुरेंद्र बंगाली का खास सूत्र माना जाता था। और रिजवान उर्फ रज्जू के बारे में यह कहा जाता था कि जब पुरुलिया में आर्म्स स्टॉप हुआ, तो पुरुलिया से जो हथियारों की खरीद बिक्री शुरू हुई, उसका यह सबसे बड़ा मिडिलमैन था। इस रिजवान उर्फ रज्जू ने बिहार के कई गैंगस्टर्स को पुरुलिया में गिराए गए AK-47 और AK-56 पहुंचाए थे। कहा यह भी जाता है कि 3 जुलाई 2002 को यह छोटू सिंह के साथ, नबीन सिंह के साथ
जब जैतपुर लखीसराय गया था, बरहिया गया था, तब भी इसके पास AK-47 था। और इस वक्त मतलब 3 जुलाई 2002 की हम बात कर रहे हैं, तब तक इसके जो उस्ताद सुरेंद्र बंगाली को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी और वह रांची जेल में बंद था। तो खैर, तो इन तीनों की हत्या हो गई। अब इन तीनों की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई, कारण क्या रहा, इस पर तमाम तरीके की बातें चलती रही। देखिए, इस बात को भी समझिए कि छोटू सिंह की ताकत कितनी हो गई थी पटना में। तब पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था, अभी मेयर का चुनाव नहीं हुआ था, वार्ड काउंसिलर्स के चुनाव हो गए थे। और छोटू सिंह की मां शांति देवी ने बहुत बड़ी जीत अपने वार्ड से हासिल की थी, वह वार्ड काउंसिलर बन गई थी। और पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जीते हुए पार्षदों में वह सबसे अधिक मतों से जीतने वाली वार्ड काउंसिलर थी, यह समकालीन तापमान की रिपोर्ट कहती है। तो छोटू सिंह की ताकत यह थी। दूसरी ओर विकास सिंह, जो कम बड़ा गैंगस्टर नहीं था, विकास सिंह की मां चंद्रकला देवी भी पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में कई बार से चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव हार गई थी। तो एक बात यह भी थी। और ये जो मुकेश सिंह जयपुर का, इसकी कहानी यदि आप जानेंगे, देखिए इसके मुठभेड़ की कहानी, यह कैसे खत्म हुआ, इसकी मुठभेड़ की कहानी हम आपको और किसी एपिसोड में सुनाएंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप में मुकेश सिंह का परिचय आपको देते हैं। तो देखिए, मुकेश सिंह जयपुर का रहने वाला, मुकेश सिंह के पिता का नाम था ग्रीन सिंह, वे भी दबंग थे। हम साल 2002 की बात कर रहे हैं, 3 जुलाई 2002 की। तो 3 जुलाई 2002 से करीब 10 साल पहले, मतलब 1992 के आसपास, मुकेश सिंह के पिता ग्रीन सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। और हत्या किसने की थी, तो हत्या की थी जैतपुर गांव के ही पड़ोस में एक गांव है लोहरा, वहां का कुख्यात अपराधी था पप्पू मंडल। तो पप्पू मंडल के साथ संघर्ष हुआ था ग्रीन सिंह का, जिसमें ग्रीन सिंह मारे गए थे। तो पिता की हत्या के बाद मुकेश सिंह ने कमान संभाली थी, पिता की हत्या का बदला भी लेना था, और मुकेश सिंह का प्रभुत्व भी स्थापित हो गया था। ग्रीन सिंह की हत्या के बाद जैतपुर गांव के लोग भी उद्वेलित थे, आंदोलित थे। तो इतना दबाव बढ़ाया गया कि जिस पप्पू मंडल ने हत्या की थी उसे पुलिस तो नहीं गिरफ्तार कर पा रही थी, लेकिन वह लोहरा गांव से भाग खड़ा हुआ था, मतलब इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह अपने गांव में आ सके। खैर, तो जब वह फरारी में ही चल रहा था, तो हलसी एक और ब्लॉक है लखीसराय में, वहां एक गांव है शिवसोना। तो शिवसोना गांव में पप्पू मंडल की हत्या चंद्रिका यादव नाम के एक दूसरे गिरोह ने कर दी थी। तो मुकेश सिंह के पिता की हत्या करने वाला पप्पू मंडल चंद्रिका यादव के द्वारा मार दिया गया था। बाद में देखिए, खूनी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है, बाद में चंद्रिका यादव की भी हत्या हो गई। खैर, अब हम बात करते हैं कि हत्या की वजह क्या रही, छोटू सिंह की, नवीन सिंह की, रिजवान उर्फ रज्जू की। देखिए, कहानियां कई चलती रही, कोई चश्मदीद नहीं था, लाश नहीं मिली थी, परिवार वाले भी डर के मारे बोल नहीं रहे थे। तो जो कहानी चली वो कहानी ये चली कि जो छोटू सिंह की मां शांति देवी पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड काउंसिलर का चुनाव जीत गई थी और आगे मेयर का चुनाव होना था, तो छोटू सिंह की तैयारी ये थी कि हम अपनी मां को मेयर का चुनाव लड़ाएंगे। दबदबा तो था ही, पैसा भी आ गया था, प्रभुत्व भी था, ताकत भी थी, तो इस कड़ी में वह बहुत तेजी से लगा था। और जैसा मैंने कहा कि वह आरजेडी के पावर हाउस के एक सब स्टेशन से जुड़ा हुआ था और दूसरे सब स्टेशन वाले चिढ़े हुए थे, तो जो पावर हाउस के दो सब स्टेशन थे वे भी अपने अपने उम्मीदवार को लेकर मेयर का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो देखिए, ये कहानियां चली। देखिए, असली वजह आज तक किसी को मालूम नहीं हुई कि मुकेश विकास के साथ छोटू सिंह का हुआ क्या। तो कहा यह जाता है कि जब इसके मन में यह लालसा जगी कि हम अपनी मां को, शांति देवी को मेयर बनाएंगे, तो राजनीति हुई और इसी राजनीति में मुकेश विकास को मोहरा बनाकर छोटू सिंह का काम तमाम करा दिया गया। तो शांति देवी मेयर के चुनाव के रास्ते से स्वयं हट गई,
छोटू सिंह तो रहा ही नहीं। दूसरी बात ये कही जाती है, पटना में तब कई और गिरोह थे जो प्रभुत्व बनाए हुए थे, जैसे जक्कनपुर का पिंटू सिंह गिरोह आज भी है, मैनपुरा का पिंकू यादव गिरोह। ये बातें खबरों में भी छपी, समकालीन तापमान ने भी छापा कि देखिए छोटू सिंह, नवीन सिंह और जो साथ में गया था ये तीसरा रिजवान उर्फ रज्जू, इनके बहाने असली सेटिंग, क्योंकि ये सभी बड़े बड़े हथियारों के साथ गए थे ये तीनों, किसी शक्ति ने, अदृश्य शक्ति ने सेटिंग की थी मुकेश सिंह और विकास सिंह को ही उसके गांव में खत्म कर देने की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, ये तीनों स्वयं मारे गए और इनके साथ जो बाकी लोग गए थे उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा था, और ऐसा भागना पड़ा था कि वे पुलिस के पास जाकर कह भी नहीं रहे थे। तो एक कहानी ये चलती रही, और तीसरी कहानी ये चलती रही कि नवीन सिंह के बड़े भाई पटना के पीआरडीए में ठेकेदारी करते थे, तो इस ठेकेदारी के पीछे भी छोटू सिंह की ताकत थी, क्योंकि छोटू सिंह समर्थक था, रिजवान की ताकत थी, हथियारों की ताकत थी, तब हथियारों के बल पर ही ठेकेदारी प्राप्त भी किए जाते थे। लेकिन इस बीच मुकेश सिंह और विकास सिंह ने भी ठेकेदारी मैनेज करना शुरू कर दिया था, और ठेकेदारी मैनेज कर 15% लेकर वह दूसरे को दिया करता था। तो एक वजह यह भी चर्चा में रही, देखिए मैंने कहा ना कि असली वजह किसी को पता, जानकारी नहीं मिल सकी। फिर जो और वजहें बताई गई और जो चर्चाएं हुई जिनके बारे में आपको हम बताते हैं, कहा यह जाता है कि देखिए इस छोटू, नवीन सिंह और रिजवान की हत्या के पीछे, इस प्लान को डिजाइन करने के पीछे पुलिस वाले ही थे, और पुलिस वाले में कौन, एसटीएफ के लोग थे। कहा यह जाता है कि जैतपुर गांव का ही एक व्यक्ति एसटीएफ में था, और इसी एसटीएफ के जवान ने कभी मुकेश, विकास और छोटू के बीच मध्यस्थता भी कराई थी, संबंध भी स्थापित कराए थे। लेकिन जब शहर के लिए सिरदर्द होने लगा और टास्क मिला, तो फिर इसी एसटीएफ के जवान के माध्यम से छोटू सिंह, नवीन सिंह और रिजवान का काम गांव में ही तमाम करा दिया गया, पुलिस को अपना हाथ लगाना ही नहीं पड़ा। तो एक कहानी यह चली। एक कहानी और बड़ी तेज चली उस जमाने में कि जैतपुर के ही एक रिटायर्ड एम्प्लॉय बिरजू सिंह थे, तो बिरजू सिंह ने तब मुकेश सिंह और विकास सिंह का परिचय एक बड़े गैंगस्टर सरगना पंकज सिंह से कराई थी, जिसकी धाक उन दिनों में इन तमाम लोगों से ज्यादा बड़ी थी। तो पंकज सिंह ये पंडारक बाढ़ का रहने वाला था, लेकिन बाद में पंकज सिंह की हत्या हो गई, और जब पंकज सिंह की हत्या हुई तो शक सुबह जो है यह छोटू सिंह, नवीन सिंह और रिजवान पर गया। तो जब इस बात की जानकारी मुकेश और विकास को मिली तो उसने अपना बदला साध लिया। लेकिन जो असली वजह, जो जैतपुर गांव से भी फीडबैक आया और आज भी जो लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण यह था कि जैतपुर गांव में जब शराब पार्टी शुरू हुई, तीनों ही बहके हुए थे, बिगड़ गए थे, बहुत तेज कहा शुरू हुई, तुम क्या, हम क्या, तुम क्या, हम क्या, और ये होते होते जो असलहे साथ में थे वो असलहा निकल गया और मुकेश सिंह ने काम तमाम कर दिया। चूंकि जहां जगह थी, जो घटना स्थल है, वो मुकेश सिंह का गांव था, वहां छोटू सिंह, नवीन सिंह और रिजवान तो लड़ाई लड़ ही नहीं सकते थे, इसलिए मारे गए और बाद में लाश क्यूल नदी में प्रवाहित कर दी गई। तो जब पुलिस से इस बाबत पूछताछ की जाने लगी तो लखीसराय के एसपी, जैसा मैंने बताया आपको कि के वर्मा हुआ करते थे, पहले तो ये कहते रहे कि देखिए ये कैसे मान लें कि हत्या हुई है, यह भी संभव है कि यह एक बहाना हो, यह भी संभव है कि ये कहीं भाग गए हों। लेकिन फिर भी दारोगा सत्येंद्र कुमार को जांच सौंपी गई थी, सत्येंद्र कुमार विकास की तलाश में पटना तक पहुंच गए थे, और विकास की तलाश में जब पटना तक पहुंचे थे तो बुद्धा कॉलोनी में उसके घर से इसका एक साथी जो परसा बाजार का था, अनीश कुमार मिश्रा उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया था। तब और भी जानकारी मिली थी कि वाराणसी का एक राजेश पांडे है जो इस गिरोह का बहुत ही कथाधरता है, मतलब खास आदमी है। तो इस तरीके से खात्मा हुआ था,
और छोटू सिंह, छोटू सिंह के नाम ज्ञात अज्ञात इतने मुकदमे दर्ज थे। तो पटना पुलिस ने माना चलो इसी बहाने आपस में ही मारकाट में, देखिए पुलिस वाले उस जमाने में यह काम करते भी थे कि एक अपराधी को दूसरे अपराधी से मरवा दो, तो उनकी लिस्ट में एक नाम कम हो गया था और वह भी बड़ा नाम था जो बात बात में हत्या कर देता था। तो यह कहानी थी छोटू सिंह की, छोटू सिंह के खात्मे की। मुझे लगा कि पटना के अंडरबल को यदि समझना हो और पढ़ना हो तो छोटू सिंह को भी पढ़ना जरूरी है। आपको भी मैंने इसलिए सुनाया ताकि आप समझ सकें अपराध की दुनिया के तौर तरीकों को और आप अपने को बचा सकें। नसीहत यही है कि अपराध की दुनिया बेहद ही खतरनाक दुनिया है। यहाँ कुछ दिनों तक आपका खौफ रहता है लेकिन आखिरकार आप खत्म होते हैं और बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाते हैं। देखा ना आपने, छोटू सिंह, नवीन सिंह, रिजवान जितने बड़े रहे हों मारे जाने के बाद लाश भी नहीं मिली। तो आज की कहानी इतनी ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें ज्ञानेश्वर@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। यदि किसी कहानी को सुनाने को कह रहे हैं और उस कहानी की तारीख, मतलब उस वारदात की तारीख और साल का पता है तो आप हमें बताएं, मुझे अपनी डायरी के पन्नों से खोजने में आसानी होगी, रिसर्च टीम को भी कहना आसान होगा। तो देखते रहिए खबरों के पीछे को। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ।